इस वीडियो में आज हम देखेंगे 12 से 13 लाख ऑन रोड बजट में बेस्ट एसयूवी कौन सी रहेगी। इस वीडियो को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो मैनुअल एसयूवीज और दूसरी ऑटोमेटिक। हर बार की तरह इन एसयूवीज को कंपेयर करेंगे उनके सेगमेंट, इंजन परफॉर्मेंस, ड्राइवेबिलिटी, सेफ्टी और फीचर्स के बेस पर। फॉर एग्जाम्पल 13 लाख ऑन रोड में आपको नेक्सॉन का ऑलमोस्ट फुली लोडेड वेरियंट मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर सेगमेंट लो होगा। यही दूसरी तरफ क्रेटा का बेस मॉडल आ जाएगा जिसका सेगमेंट तो ऊपर है लेकिन फीचर्स में कुछ भी नहीं मिलेगा। 13 लाख की गाड़ी में ORVM से एडजस्ट करने के लिए भी डंडी दी गई है। खैर तो चलिए देखते हैं 12 से 13 लाख ऑन रोड में कौन सा बढ़िया पैकेज बन सकता है जिसमें सेगमेंट, फीचर्स, सेफ्टी, इंजन परफॉर्मेंस सबका बढ़िया कॉम्बिनेशन मिल सकता है। तो जो जो मैनुअल SUVs मार्केट में अवेलेबल है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मारुति सुजुकी ब्रेजा ZXI, यहाँ 12 से 13 लाख ऑन रोड में सब 4 मीटर SUV ब्रेजा का ZXI वेरिएंट आ जाएगा। ब्रेजा के ZXI वेरिएंट मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। हालांकि पहले के टाइम में VXI वेरिएंट हुआ करता था, बट अब लोगों का बेंट फीचर लोडेड गाड़ियों की तरफ हो चुका है और यही चीज मारुति ने समझी और अपने प्रोडक्ट्स में काफी बढ़िया फीचर्स देने शुरू कर दिए हैं। जैसे ब्रेजा के ZXI वेरिएंट में कंपनी ने सनरूफ ऑफर कर दी है और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि मारुति की पहली गाड़ी है जिसमें सनरूफ इंट्रोड्यूस किया गया है। बाकी उसके अलावा फीचर्स भी अच्छे खासे दिए गए हैं इस गाड़ी में, जैसे क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एंड्रॉइड, एप्पल कारप्ले, LED हेडलैम्प्स वगैरह वगैरह, जो ब्रेजा के ZXI वेरिएंट को काफी बढ़िया पैकेज बना देते हैं। उसके अलावा इस प्राइस को ब्रेजा का इंजन बहुत बढ़िया तरीके से जस्टिफाई भी कर देता है। 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड, वो कहते हैं ना, देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर द डिस्प्लेसमेंट, ये बात यहाँ पे बहुत बढ़िया बैठती है। उसके ऊपर बड़े इंजन में जो एवरेज का पंगा रहता है वो दिक्कत मारुति ने माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी देकर खत्म कर दी है। बहुत से 1.2 लीटर इंजन से बेटर एवरेज दे देती है ब्रेजा का। लगभग 14 से 15 किलोमीटर का एवरेज सिटी में निकल रहा है और यही हाईवे पे 18 से 19 किलोमीटर पर लीटर का। बात करें सेफ्टी की तो मारुति की अब तक की सेफेस्ट SUV ब्रेजा ही है, 4-स्टार रेटेड SUV है। नेक्सॉन XZ+HS, ये नेक्सॉन का नया वेरिएंट लॉन्च किया गया है टाटा की तरफ से। अगर आपको पता हो नेक्सॉन में एक XMS वेरिएंट लॉन्च किया गया था जिसमें मिड वेरिएंट में ही सनरूफ और ऑटो हेडलैम्प्स जैसे फीचर्स दिए गए थे, लेकिन उसके ऊपर ऐसा कोई वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट अभी तक नहीं था। बट अब नेक्सॉन XZ+HS वेरिएंट है, काफी बढ़िया फीचर दे रखे है इस वेरिएंट में। टॉप वेरिएंट वाले सभी फीचर्स जैसे सनरूफ, क्लाइमेट कंट्रोल, अलॉय व्हील्स और एयर प्यूरिफायर जैसे फीचर्स आपको मिल जाएंगे, बस एक फीचर को छोड़ के, वेंटिलेटेड सीट्स। अगर वो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तब तो इस वेरिएंट में कहीं से कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर वेंटिलेटेड सीट्स भी चाहिए तो थोड़े और पैसे डाल के इसके ऊपर वाला वेरिएंट आपको लेना पड़ेगा। नेक्सॉन की हाइलाइट्स की बात करें तो वो इसकी एज यूजुअल सेफ्टी रेटिंग्स है, टाटा का प्रोडक्ट है, काफी सॉलिड है, हैवी बिल्ड क्वालिटी फील होगी इसमें। इंजन की बात करें तो वही यहाँ पे 1.2 लीटर टर्बोचार्ज्ड 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है जिसमें पावर तो अच्छी है लेकिन 3 सिलेंडर है तो रिफाइनर में थोड़ा कम आपको लगेगा। उसके ऊपर गाड़ी हैवी भी है तो एवरेज में भी कुछ खास आपको नहीं मिलेगा। 10 से 12 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज सिटी में और हाईवे पे 16 से 17 किलोमीटर की निकाल देगी। किया सोनेट HTX 1 लीटर IMT, यहाँ 12 से 13 लाख में किया सोनेट भी काफी तगड़ा ऑप्शन है। जो कमियां नेक्सॉन में है उसका ऑपोजिट सोनेट में है। काफी बढ़िया रिफाइनमेंट मिलेगी आपको, फिट एंड फिनिश क्वालिटी बहुत बढ़िया है सोनेट की, लेकिन सेफ्टी के मामले में नेक्सॉन से कम है। हालांकि सोनेट में आपको एयरबैग्स 4 मिल जाएंगे अब एज स्टैंडर्ड, ड्राइवर पैसेंजर और ड्राइवर साइड पैसेंजर साइड। उसके अलावा सोनेट 12 से 13 लाख में क्यों कंसिडर करनी चाहिए वो बात कर लेते हैं। 12 से 13 लाख में सोनेट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें इस प्राइस में काफी बढ़िया क्वालिटी, फिट एंड फिनिश के साथ टर्बोचार्ज इंजन, उसके साथ IMT गियरबॉक्स की कन्वीनियंस भी मिल जाती है। IMT गियरबॉक्स की डेडिकेटेड वीडियो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ सिर्फ सोनेट HTX 1 लीटर IMT वेरिएंट की बात कर रहे हैं। फीचर्स के मामले में भी कोई कमी नहीं है, अलॉय व्हील्स, सनरूफ, एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले, आर्केमिस साउंड सिस्टम, LED हेडलैम्प्स, तो ऑल इन ऑल काफी बढ़िया पैकेज है। एवरेज की बात करें तो यहाँ सोनेट 1
लीटर इंजन के साथ 12 से 13 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज निकल जाएगी अगर आप प्यार से चलाते हो तो। खींचोगे तो यही 11 से 12 की एवरेज या 10 11 की एवरेज निकल जाएगी। हाईवे पर यही गाड़ी 16 से 18 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज निकाल देगी। डाउनसाइड सोनेट की एज सच कुछ है नहीं, थोड़े बहुत सस्पेंशन स्टिफ लग सकते हैं, बट इसकी वजह से हैंडलिंग और स्टेबिलिटी काफी तगड़ी मिल जाती है। बाकी सोनेट का फेसलिफ्ट भी ड्यू है, तो ये चीज एक बार दिमाग में रख के चलना, कहीं आप गाड़ी ले लो और थोड़े टाइम में इसका न्यू वेरिएंट आ जाए तो सोनेट का डोनट हो जाएगा यहाँ पे। Hyundai Venue 1.2 लीटर SX पेट्रोल। यहाँ 12 से 13 लाख में Hyundai Venue का फेसलिफ्ट भी एक अच्छा ऑप्शन कह सकते हो, लेकिन Venue के वेरिएंट्स कुछ अलग तरह से सेट किए गए हैं। मेरा मतलब 12 से 13 लाख ऑन रोड में यहाँ पर SX वेरिएंट मिल जाएगा, जो कि टॉप वेरिएंट है 1.2 लीटर इंजन के साथ, जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड है और मैनुअल ट्रांसमिशन है। यहाँ पर ये वाले इंजन के साथ जाने का मतलब तो बनता नहीं, 12 से 13 लाख खर्च करके 1.2 लीटर इंजन, वो भी नेचुरली एस्पिरेटेड, कौन चलाएगा। इससे अच्छा या तो थोड़े और पैसे खर्च करके 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन की तरफ जाइए, नहीं तो कॉम्पिटिशन पर जा सकते हो जैसे सोनेट। अब थोड़े ऊपर के सेगमेंट की SUVs को भी देख लेते हैं। जैसे पहले ही बताया, यहाँ से जो जो ऑप्शंस आएंगे वहाँ सेगमेंट ऊपर होगा, इंजन बड़ा होगा, 4 मीटर से लेंथ ज्यादा होगी गाड़ी की, लेकिन फीचर्स नहीं होंगे। सिर्फ एक SUV को छोड़कर जिसमें सेगमेंट भी ऊपर होगा, इंजन भी बड़ा होगा, फीचर भी ठीक ठाक मिल जाएंगे, साथ में प्रीमियमनेस भी मिल जाएगी, तो उस गाड़ी की बात हम एंड में करेंगे, लेकिन उससे पहले जो जो ऑप्शंस हैं उनको देख लेते हैं। India's most loved SUV क्रेटा। यहाँ क्रेटा का बेस ई वेरिएंट आ जाएगा। सेगमेंट के हिसाब से इसके बेस वेरिएंट कुछ खास फीचर्स ऑफर नहीं करते, जो थोड़ा बहुत मिल जाता है वो सेंटर लॉकिंग विद फोल्डेबल की, रियर एसी वेंट्स, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, येलो बल्ब के साथ। उसके अलावा सीट हाइट एडजस्टमेंट मिल जाती है, ऑल 4 पावर विंडोज वगैरह वगैरह। हालांकि एक टाइम पर लोग क्रेटा को बहुत पसंद किया करते थे क्योंकि ये SUV है काफी बढ़िया, चाहे रोड प्रेजेंस हो या क्वालिटी हो, Hyundai वालों की आपको पता ही है क्वालिटी काफी बढ़िया होती है। लेकिन Hyundai ने क्रेटा के बेस वेरिएंट में से फीचर्स कम करने शुरू कर दिए, जैसे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs हटा दिए, टर्न इंडिकेटर्स फेंडर्स पर दे दिए, उसके ऊपर से क्रेटा ग्लोबल NCAP में 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग लेके आई, काफी अच्छी बेइज्जती करवा के आ गई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अब लोग क्रेटा को इतना पसंद नहीं कर रहे जितना पहले किया करते थे। यहां क्रेटा में 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जिसकी एवरेज सिटी में 10 से 12 किलोमीटर की है और यही हाईवे पे 16 से 18 किलोमीटर की निकाल देती है। तो अगर आप क्रेटा लेने में इंटरेस्टेड हो तो क्रेटा का बेस ई वेरिएंट लगभग 12,30,000 के आसपास का आ जाएगा ऑन रोड दिल्ली के हिसाब से। बाकी क्रेटा पर नहीं जाना चाहते तो इसका कंपटीशन बहुत तगड़ा है, जैसे सेल्टॉस। किया सेल्टॉस बेस वेरिएंट HTE। सेम क्रेटा वाली USPs एंड ड्रॉबैक्स यहाँ भी देखने को मिलेंगे, सेम इंजन ऑप्शंस यहाँ भी मिल जाएंगे, फीचर्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलेंगे, सेम प्लेटफॉर्म है, सेम क्वालिटी वगैरह मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर किया सेल्टॉस में कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी, जैसे म्यूजिक सिस्टम आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाएगा, सिंपल म्यूजिक सिस्टम होगा विद ब्लूटूथ, साथ में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे। बट जो मेजर डिफरेंस आया है 2022 किया सेल्टॉस में वो है इसकी सेफ्टी को लेकर। यहाँ पर अब सेल्टॉस में आपको एज स्टैंडर्ड मतलब बेस वेरिएंट में भी 6 एयर बैग्स मिल जाएंगे, जो कि बहुत तगड़ा मूव है किया की तरफ से, और इसी चीज की वजह से सेल्टॉस कहीं ना कहीं क्रेटा से बेटर ऑप्शन है आज की डेट में। तो अगर आप किया सेल्टॉस लेने का मन बना रहे हैं तो इसका दिल्ली में ऑन रोड प्राइस लगभग 12.5 लाख के आसपास पड़ जाएगा, और अगर इसकी एवरेज की बात करें तो सेम क्रेटा वाली एवरेज ही मिलेगी, 10 से 12 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज सिटी में, और यही हाईवे पे 16 से 18 किलोमीटर की निकाल देगी। अब जो दो अगली SUVs है सेम क्रेटा और सेल्टॉस जैसे ही बहने हैं, यानी सेम प्लेटफॉर्म, डायनामिक्स, इंजन ऑप्शंस, गियरबॉक्स, क्वालिटी, फिट एंड फिनिश सब सेम है। यहाँ बात हो रही है स्कोडा कुशाक, फॉक्सवैगन टाइगन की, इन दोनों के बेस वेरिएंट्स के बारे में। ये भी सेम सेगमेंट है, क्रेटा और सेल्टॉस के डायरेक्ट राइवल्स है। जो चीजें यहाँ कुशाक और टाइगन ऑफर करती है वो एक कार एंथुजियास्ट को ही समझ आ पाएगी, जैसे ड्राइविंग डायनामिक्स, ना के बराबर बॉडी रोल, जर्मन बिल्ड क्वालिटी, जर्मन गाड़ियों वाला डोर थर्ड आपको पता ही है बहुत कॉमन है आजकल जर्मन गाड़ियों का, हर कोई इसी के थ्रू गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी को बताता है, और वो यहाँ भी आपको सेम देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर 1 लीटर टर्बोचार्ज TSI इंजन मिल जाता है, जो कि काफी फन टू ड्राइव है, और ये TSI इंजन कोई ऐसा वैसा इंजन नहीं है, ग्लोबली अवार्डेड इंजन है ये वाला फॉक्सवैगन ग्रुप की तरफ से। बाकी एवरेज ये 12 से 13 किलोमीटर की सिटी में निकाल देगी, और यही हाईवे पे 17 से 18 किलोमीटर पर लीटर की निकाल देगी। उसके अलावा आएंगे यहाँ भी बेस मॉडल्स ही इन दोनों गाड़ियों, लेकिन बेस मॉडल के हिसाब से थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन किया है फॉक्सवैगन और स्कोडा ने,
जैसे बेस वेरिएंट में ही टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। उसके अलावा ORVMs भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, फोल्डेबल नहीं है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है विद टर्न इंडिकेटर्स। और यहाँ इन दोनों गाड़ियों को कंसीडर करने का सबसे बड़ा रीजन, आपको यहाँ काफी बढ़िया मेंटेनेंस पैकेज ऑफर्स मिल जाएंगे, जैसे 24,000 अप फ्रंट पे करके 4 साल की मेंटेनेंस की छुट्टी। स्कोडा और फॉक्सवैगन की गाड़ियों को बस इसी रीजन की वजह से लोग खरीदना पसंद नहीं करते थे, और ये चीज भी स्कोडा और फॉक्सवैगन ने खत्म कर दी। तो अब बात कर लेते हैं लास्ट SUV के बारे में। जैसा कि आपको बताया था, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है MG Aster। 12 से 13 लाख ऑन रोड में एस्टर काफी तगड़ा ऑप्शन है, क्योंकि इसका बेस मॉडल कहीं से भी बेस मॉडल लगता ही नहीं। एस्टर के स्टाइल वेरिएंट में ही आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और DRLs मिल जाएंगे, क्रोम डोर हैंडल्स, रियर वाइपर, इंटीरियर में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील। और यही नहीं, एस्टर के पूरे इंटीरियर में सिर्फ सॉफ्ट टच मटेरियल यूज किया गया है, जो कहीं से बेस मॉडल वाली फील आने ही नहीं देता। इंजन की बात करें तो यहाँ 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर गियर बॉक्स 5 स्पीड मैनुअल ही मिल पाएगा, जबकि कंपटीशन में 6 स्पीड मिल जाता है। ये छोटी सी दिक्कत जरूर लगी मेरे को। बाकी एवरेज के डिपार्टमेंट में एस्टर वही 11 से 13 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज निकाल देगी सिटी में, और यही हाईवे पे 17 से 18 की निकाल देगी। तो एस्टर का बेस वेरिएंट आपको 12 लाख ऑन रोड में पड़ जाएगा, 10-20 हजार ऊपर हो सकते हैं, स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा।